Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dietary reference intake, which is known as DRI, is a system of nutrition recommendations from the Institute of Medicine of the National Academy of Sciences of the United Nations. DRIs, these are managed by the Institute of Medicine. अगर कोई organization का आपसे नाम पूछा जाए तो आप इसका नाम ले सकते हैं और ये USA based institution है. It was introduced in 1997 in order to broaden the existing guidelines known as recommended dietary allowances. Using the results of thousands of research studies, nutrition experts have produced a set of standards that define the amount of energy, nutrients, and other dietary components as physical activity that best support health. These recommendations are now called as DRI, dietary reference intakes. इनको भी establish करने के लिए जो भी उस वक्त existing data available था, studies available थी nutrition related, उनको और वहाँ के जो experts थे, उनकी inputs ली गई, तो ultimately जो है फिर इनको establish किया गया. These recommendations apply to healthy people and may not be appropriate for people with diseases that increased or decreased nutrient needs. तो ये जितनी भी daily values हैं, ये healthy population के लिए. जो population compromised nutritional status के साथ होती है, ये compromised nutritional health status के साथ होती है, उसके ऊपर इनको fit नहीं किया जा सकता. उसके लिए फिर adjustment की जरूरत पड़ती है. So these values are used for planning and assessing the diets. Dietary reference intake is an umbrella term used to determine other nutritional reference values. Nutrient intake standards for healthy people as well. तो ये भाई एक बड़ा term है, broader term है, तो फिर इसी में से इसकी refining होती जाएगी, तो RDS बनती जाएंगी. इसी के ऊपर काम किया जाए तो upper limits जो है टॉलरेबल लिमिट्स जिनको कहा गया था वो डिफाइन होना शुरू हो जाती है. सो बेसिकली डाइटरी रेफरेंस इनटेक हैज फोर कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स, फॉलोड बाय रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, एडिक्वेट इनटेक एंड टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल्स. ठीक है, तो जैसा मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि डाइटरी रेफरेंस इनटेक इज बेसिकली अम्ब्रेला टर्म. अब इसके नीचे जो है ना ये फोर टाइप्स की मजीद जो है ना वो वैल्यूज आ जाएंगी जिनको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे. यहाँ पे इसकी समरी दे दी गई है भाई. आप एक्स एक्सिस पे देखें तो इसमें ऑब्जर्व्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक लिखा गया है और ये स्टार्ट होता है लो से लेके हायर साइड पे जाता है, फ्रॉम लो टू हायर साइड. और वाई एक्सिस पे अगर आप देखें तो इसमें रिस्क ऑफ इनएडिक्वेसी एग्जिस्ट करता है लोअर साइड पे. ठीक है, अगर हम बहुत लो लेवल किसी का यूज करते हैं तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं. और हायर साइड पे अगर हम देखें तो किसी भी चीज को जब हम एक्सेस में यूज करेंगे तो रिवर्स उसका रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो बढ़ते जाएंगे. तो अब इनके अंदर जो है ना वो आपको ये थ्री टाइप्स की वैल्यूज मिलेंगे. तो मेन हम बात करते हैं आरटीए की. It is the intake at which the risk of inadequacy is only 2 to 3%. ठीक है, यानी ये बड़ी authentic समझी जाती हैं और इस वक्त सबसे पहले नंबर पे जाना इनको समझा जाता है. RDA किसी nutrient की अगर available है तो फिर बाकी daily values को आपने utilize नहीं करना. तो सिर्फ 2 से 3% population ऐसी है कि जिनके अंदर chances हैं inadequate होने के, otherwise 98-97% पॉपुलेशन जो है उसके अंदर इनको न्यूट्रिएंट के इनटेक को सेफ समझा जाता है. अब इसी से अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो एस्टीमेटेड एवरेज रेंज जो है वो हमें मिलती है. दिस इज द इनटेक एट विच द रिस्क ऑफ इनएडिक्वेसी इज 50%, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को, हेल्दी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही होती है. और रिस्क है कि अगर सारे लोग 100% भी यूज करें
50% के बारे में अभी डाउट्स होते हैं कि मे बी ये उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर सके। इसके बाद एडिक्वेट इनटेक लेवल आ जाता है भाई, इट डज नॉट बियर अ प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप टू द ईएआर और आरडीए। एआई इज बेस्ड ऑन एन एस्टीमेट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन। तो एडिक्वेट इनटेक वाला जो लेवल है इसको भी अज्यूम किया जाता है कि ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर जो है ना ये सफिशिएंट है ये लेवल जो है, और इनकी एक डोजेज ऐसी भी आती है कि जहां पे न्यूट्रिएंट का इनटेक जो है वो फिर डेंजरस जोन में एंटर हो जाता है। सो एट एन इनटेक अबव द अपर लिमिट्स द रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स इंक्रीज्ड। एआई जो है ना ये अगर हम आरडीए और ईआर के अंदर रहते हुए यूटिलाइज करें तो इनका खतरा नहीं है, अगर हम उससे ऊपर साइड पे चले जाते हैं तो फिर अपर लिमिट्स इनको हम डिक्लेयर करेंगे और ये टॉक्सिसिटी होने के एडवर्स इफेक्ट्स होने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। इनकी डिटेल में जाने से पहले भाई इनकी एप्लीकेशन पे फोकस कर लेते हैं। डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स आर इंटेंडेड फॉर मेंटेनिंग द एंड सस्टेनिंग द हेल्थ एंड टू बी यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक एंड द हेल्थ प्रोफेशनल्स। सो एप्लीकेशंस इंक्लूड ऑल दोज स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं जिनके प्रोफेशंस जो हैं वो लोगों की हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने में, मेंटेन करने में और सस्टेन करने में इन्वॉल्व है, या जनरल पॉपुलेशन जो है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, प्रोसेसिंग सेक्टर है, इन हर एक के ऊपर जो है वो डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इंक्लूड कंपोजिशन ऑफ डाइट्स फॉर स्कूल्स, प्रिजंस, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स, ओल्ड एज होम्स हैं भाई, स्कूल्स के अंदर ब्रेकफास्ट और लंच प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जेलों के अंदर कैदी हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स हैं, उनके लिए जब डाइट की कंपोजिशन की बात की जाती है तो उसमें डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स जो है ना इनको जरूर ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, ताकि डेफिशिएंसी भी ना हो और टॉक्सिसिटी भी ना हो, एडवर्स इफेक्ट्स भी ना हो। इसके अलावा इंडस्ट्रीज डेवलपिंग न्यू फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, तो फूड फोर्टिफिकेशन के लिए भी, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो जो डाइटरी सप्लीमेंट्स वो बना रहे हैं उनके अंदर डोजेज के लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है। हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर्स एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स वो इनकी बेस पे ये देखते हैं कि पॉपुलेशन में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, और अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो उसके अगेंस्ट उसको टैकल करने के लिए क्या पॉलिसी मेजर्स लेने चाहिए, क्या इंटरवेंशंस और स्ट्रेटजीज जो है ना उनको अडॉप्ट करना चाहिए। वहां पे ये वो लोग जो हाई लेवल पे काम कर रहे होते हैं पॉलिसी रिलेटेड और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड, उनके लिए भी ये उतनी ही इफेक्टिव है। डाइटरी प्लानिंग के लिए, डाइटरी असेसमेंट के लिए, फूड फोर्टिफिकेशन के लिए, फूड लेबलिंग के लिए भी भाई इनकी जरूरत है। लेबल के ऊपर आप मैं लास्ट पे जाके शेयर करूंगा, परसेंट डेली वैल्यूज का वर्ड आजकल यूज किया जा रहा है, परसेंट डेली वैल्यू क्या है, ठीक है, बेसिकली तो वही नहीं इसे ड्राइव की गई है जो डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स है और आरडीएस है, और एक सर्विंग के अंदर हमें वहां पे न्यूट्रिएंट्स की डिटेल अवेलेबल होती है कि एक सर्विंग फलां कमोडिटी के खाने से हमें उसमें से क्या अवेलेबल होगा। दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर फूड असिस्टेंस प्रोग्राम्स, ये स्पेसिफिक एज ग्रुप्स के हवाले से भी हो सकते हैं, ठीक है, और जैसे वुमेन इन्फेंट एंड चाइल्ड है विक्स के नाम से हमने आपके साथ प्रोग्राम शेयर किया था, इसी तरह जीरेट्रिक्स प्रोग्राम्स हैं वो यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए, मील ऑन व्हील्स का प्रोग्राम इसका आपने नाम सुना होगा। अवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ फूड सप्लाईज इन मीटिंग नेशनल न्यूट्रिशनल नीड्स, बस दफा जो फूड की सप्लाईज अवेलेबल हैं या फूड के सोर्सेज अवेलेबल हैं उनका एनालिसिस करके देखा जाता है कि क्या ये जो पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
उसके लिए जा रहा है, फिर हमें स्टैंडर्ड की जरूरत होगी, वहां पे ये हमें हेल्प आउट करेंगी। इसके अलावा न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए एंड फॉर इंटरप्रेटिंग फूड कंजम्पशन ट्रैकर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस। आप जब किसी की असेसमेंट करते हैं तो फिर आपने उसको इंटरप्रेट करना है कि आइदर ये इंडिविजुअल जो है वो सफिशिएंट लेवल ले रहा है या लोअर साइड पे है या हायर साइड पे न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो उस वक्त भी ये हमें डाइटरी रेफरेंस इनटेक वैल्यूज जो है वो हेल्प करती हैं। तो अब इस अम्ब्रेला के अंदर भाई जो फोर टाइप्स की टर्म्स हमने यूज की हैं, वैल्यूज का जिक्र किया था, उनके रिलेटेड एक एक दो दो स्लाइड्स यहाँ हम देखेंगे। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट फॉर ईच न्यूट्रिएंट इज बेसिकली द एवरेज अमाउंट दैट अपीयर्स सफिशिएंट फॉर हाफ ऑफ द हेल्दी पॉपुलेशन। तो वहां पे मैंने आपको ग्राफ में शो किया था कि 50% पॉपुलेशन के अंदर इनएडिक्वेसी के चांसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो 50% पॉपुलेशन के लिए इनको सफिशियंट समझा जाता है। Committee reviews hundreds of research studies to determine the requirements for a nutrient, how much is needed in the diet. The committee selects a different criteria for each nutrient based on its various roles in performing activities in body and in reducing disease risk. So, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि एक nutrient जो है वो बॉडी के अंदर सिर्फ एक काम कर रहा हो, एक तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, और दूसरा न्यूट्रिएंट हो सकता है कि बॉडी के अंदर न्यूमरस या हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हो। तो डोजेज लेवल सिलेक्ट करते वक्त इन चीजों को देखा जाता है कि ये किन किन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, और दूसरा जो है ना कौन कौन सी डिजीजेज जो है ना वो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने के चांसेस हैं। So more the number of activities performed and more the involvement in more number of diseases, so ultimately the dosage will be decided as per the requirements. An examination of all the available data reveals that each person's body is unique and has its own set of requirements. इसलिए फिर इसमें भी जेंडर बेस्ड भी और एज बेस्ड भी इन वैल्यूज को ड्रॉ किया जाता है। मेन डिफर फ्रॉम वुमेन एंड नीड चेंजेस एज पीपल ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज। फॉर दिस रीजन द कमेटी क्लस्टर इट्स रेकमेंडेशंस फॉर पीपल इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एज एंड जेंडर, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं भाई एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स, ये जेंडर बेस्ड और एज बेस्ड है ना, फिर इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। सेकंड इज द डाइट रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस व्हिच आर नोन एज आरडीएस। आरडीए इज द एवरेज डेली डाइटरी इनटेक लेवल दैट इज सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ नियरली ऑल मींस 97-98% healthy individuals in a particular gender and lifestyle life stage group. Once a nutrient requirement which is EAR is established, the committee must decide what intake to recommend for the everybody, ठीक है, ताकि वो अगर ज्यादा साइड पे जाएगा तो वो डेंजर का चांस है, और लोअर साइड पे जाएगा तो डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। तो जब भी एवरेज रिक्वायरमेंट्स जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो फिर कमेटीज का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि फिर वो उसकी आरडीएस को एस्टेब्लिश करें। हाउएवर इफ पीपल कंज्यूम एग्जैक्टली द एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ अ गिवन न्यूट्रिएंट ईच डे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुड डेवलप डेफिशिएंसीज ऑफ दैट न्यूट्रिएंट। ये किन की बात हो रही है जो हमने अभी एवरेज वैल्यूज को डिस्कस किया था। Recommendations are therefore set high enough above the EAR to meet the needs of most healthy people. तो क्योंकि 50% में वो effective साबित हो रहे हैं और 50% के अंदर inadequacy के chances हैं, तो
इसलिए ईआर की निस्बत या फिर वैल्यूज जो है वो आरडीए के अंदर जो है वो हायर साइड पे सेट की जाती है। आरडीए आर सेट नियर द टॉप एंड ऑफ द रेंज ऑफ द पॉपुलेशन एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट्स। सच अ पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली सो दैट इट कवर्स अबाउट 98% ऑफ द पॉपुलेशन। रिलेटिवली फ्यू पीपल रिक्वायरमेंट्स वुड एक्सीड दिस रिकमेंडेशन एंड इवन देन दे वुड नॉट एक्सीड बाय मच। एक जो क्वेश्चन बार दफा बच्चे करते हैं ना कि भाई ये आरडीए जो है ना वो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो इनका कहना ये है कि ये बहुत कम परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो कि 2 से 3% हो सकती है कि जिनमें ये रिक्वायरमेंट्स रेकमेंडेशन जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट्स को सुपरसीड कर रही हूँ, एक्सीड कर रही हूँ। लेकिन स्टिल इसके अंदर सेफ्टी मार्जिन इतना रखा जाता है कि ये इतनी ज्यादा एक्सीड नहीं करती कि उस इंडिविजुअल के लिए जो है ना वो डेंजरस हो सके। तीसरी टर्म जो भाई इसमें आती है वो एडिक्वेट इनटेक है। एडिक्वेट इनटेक इज बेसिकली द एवरेज डेली अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट दैट अपीयर सफिशिएंट टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया अ वैल्यू यूज्ड एज अ गाइड फॉर न्यूट्रिएंट इनटेक व्हेन एन आरडीए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आरडीए होगा तो फिर ये पीछे चली जाएंगी, जहां पे आरडीए अवेलेबल नहीं होगा फिर ये एडिक्वेट इनटेक वैल्यूज जो है ना इनको यूटिलाइज किया जाएगा। फॉर सम न्यूट्रिएंट्स देयर इज इनसफिशिएंट साइंटिफिक एविडेंस टू डिटरमिन एन एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट व्हिच इज नीडेड टू सेट आरडीए। आरडीए में मैंने बताया था ना कि जब एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट स्टेब्लिश हो जाती है तो फिर अगला स्टेप शुरू हो जाता है कि इनकी आरडीए को स्टेब्लिश किया जाए। सो बेसिकली ई ए आर आर दी प्री रिक्वेजिट फॉर दी स्टेब्लिशमेंट ऑफ आरडीए। इन दीज केसेस द कमेटी स्टेब्लिशेस एन एडिक्वेट इनटेक इंस्टेड ऑफ आरडीए। एन ए आई रिफ्लेक्ट्स द एवरेज अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट दैट अ ग्रुप ऑफ हेल्दी पीपल कंज्यूम। तो जो बीमार लोग होते हैं तो उनके लिए भी ये वर्क नहीं करती, ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर अफेक्टिवनेस देखते हुए ये 50% पॉपुलेशन में अगर वो पॉजिटिव शो होती हैं तो फिर इनको स्टेब्लिश किया जाता है। लाइक दी आरडीए एंड एआई मे बी यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट गोल्स फॉर दी इंडिविजुअल्स। Although both the RDA and AI serves as a nutrient intake goals for individuals, their differences are remarkable. अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के अंदर differences क्या हैं, तो इसमें RDA जो है ना, these are scientific based, और इनके अंदर scientific evidence है। Evidence कब आता है? जब कोई चीज़ साबित हो जाए, और जब तक वो चीज़ साबित नहीं होती उसको judgment का नाम दिया जाता है। तो मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि आर डी एज आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस एंड ए आई आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक जजमेंट। तो जजमेंट जो है ना वो उसके अंदर जब तक वो प्रूव नहीं हो जाती, ठीक है, उसके अंदर सफिशिएंट एविडेंस नहीं आ जाता, उस वक्त तक उसको एविडेंस नहीं समझा जाता। वो ऑन एन आर डी ए फॉर अ गिवन न्यूट्रिएंट इज बेस्ड ऑन enough scientific evidence to expect that needs of almost all healthy people will be met. And in case of AI, on the other hand, must rely more heavily on the scientific judgment because sufficient evidence is lacking. The percentage of people covered by an AI is unknown, and AI is expected to exceed average requirements. But it may cover more or fewer people than an RDA would cover if an RDA could be determined. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि RDAs are superior as compared to AI, और इनको वही यूज करना है जब RDA available ना हो। For these reasons, AI values are more tentative than the RDA. टेंटेटिव के अंदर भी चेंज हो सकती है, ठीक है, इनको टेंटेटिव का वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है। टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल्स हैं, यूएल का वर्ड जिनके लिए यूज किया जाता है। दीज आर मैक्सिमम डेली अमाउंट्स ऑफ अ न्यूट्रिएंट्स दैट अपीयर्स सेफ फॉर मोस्ट हेल्दी पीपल
एंड बियॉन्ड विच देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स. नेवर्थलेस इट इज प्रोबेबली बेस्ड प्रोबेबली बेस्ट नॉट टू एक्सीड दीज रिकमेंडेशन बाई वेरी मच आर वेरी ऑफन. तो अपर लिमिट्स को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए. इंडिविजुअल टॉलरेंसेज फॉर हाई डोजेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेरी एंड समवेयर अबव द रिकमेंडेड इनटेक इज द पॉइंट बियॉन्ड विच अ न्यूट्रिएंट इज लाइकली टू बिकम टॉक्सिक एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली नोन एज टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल. पेइंग अटेंशन टू अपर लेवल्स इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन गार्डिंग अगेंस्ट द ओवर कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच मे अकर व्हेन पीपल यूज सप्लीमेंट्स एंड फोर्टिफाइड फूड्स रेगुलरली. हमारी सोसाइटी में तो अभी भाई इतनी फोर्टिफाइड और फूड अवेलेबल नहीं है, ये इतना सप्लीमेंट का यूजेज नहीं है. तो जिन सोसाइटीज के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो फोर्टिफाइड फार्म में अवेलेबल है और सप्लीमेंट्स का यूज भी वहां पे ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे अगर हम अपर लिमिट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. अगेन भाई ये जिसको हमने पहले डिस्कस किया था वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गई है. इसमें लो लेवल जो है इनएडिक्वेंसी काज कर सकता है, हाई डोजेज जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स काज कर सकती है. तो ऑब्जर्व्ड लेवल्स में अगर हम देखें तो ईआर इज इनएडिक्वेट फॉर 50% ऑफ द पॉपुलेशन. ये भाई सेंट्रल लाइन जो है वो 50% को शो कर रही है. तो ये वो वैल्यूज हैं कि जिनको स्टिल जो है वो 50% पॉपुलेशन के अंदर इनएडिक्वेट समझा जाता है. ठीक है, ये वाली सफिशियंट है, यहाँ पे जहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा आपको इनसफिशियंट समझा जाएगा. आरडीए इज इनएडिक्वेट फॉर 2-3% ऑफ द पॉपुलेशन. तो आरडीए आप देखें तो ये पीक पे जा रहा है ग्राफ भाई. ठीक है, सिर्फ 1-2% जो है ना वो रह जाते हैं इसमें. AI is the recommended average daily intake assumed to be adequate for all healthy people. AI is used when RDA cannot be established. So, jin nutrients ki RDA available nahi hai, unke liye adequate intake. Aur ye takriban 50% population ke andar jana isko effectiveness iski sabit ho chuki hoti hai. Inko utilize kiya jata hai. AI use karne वाली AI जब हम यूज करते हैं तो ये फैक्टर जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि 50% पॉपुलेशन के अंदर ये स्टिल इसकी डेफिशिएंसीज होने के चांसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि 50% में इसकी इफेक्टिवनेस अभी तक जो है वो एस्टेब्लिश हुई है. अच्छा जी, इसके बाद अपर लिमिट्स की बात कर लें. दिस इज मैक्सिमम सेफ लेवल अबव विच रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स इंक्रीजेस. तो 50% तक भाई ये अफेक्टिव है, उसके ऊपर जो है ना फिर ये मैक्सिमम लेवल है जो कि एडवर्स इफेक्ट्स जो है ना वो काज करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, ये वैल्यूज अब इसमें जो कुछ प्रोमिनेंट न्यूट्रिएंट्स को हम याद कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हमें ये डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सब न्यूट्रिशन की बुक्स में अवेलेबल होते हैं. डाइटरी रेफरेंस इनटेक, recommended dietary allowances, adequate intake, total water and macronutrients. Food and Nutrition Board जो है वो Institute of Medicines का वो इनको establish करते हैं. तो यहाँ पे आप देखें तो left side पे life stages हैं. इसमें age wise देखें 6 month तक और 6 to 12 month, उसके बाद पे children 1 to 3 years, 4 to 8 years, फिर ये male और female में adolescent वाली phase है जिसमें डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस जो है वो बॉडी के अंदर आती हैं, तो वैल्यूज पे डिफर करना शुरू कर देती हैं. प्रेगनेंसी और लैक्टेशन स्पेसिफिक फेजेस हैं फीमेल की लाइफ के अंदर के जिनमें डाइटरी रिक्वायरमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स की चेंज हो जाती हैं, मोस्टली बढ़ जाती हैं. तो वाटर की अगर हम बात करें तो लीटर पर डे के हिसाब से बात की गई है. तो बच्चे में तकरीबन 0.7 लीटर, 1 साल तक 0.8 लीटर, और आपका जो एज ग्रुप आ जाता है इसमें भाई मोस्टली आप ये अब 1930 वाली रेंज में अगर देखें तो 3.7 लीटर पर डे के हिसाब से
recommendations in case of male and 2.7 liters in case of female. Okay, muscular mass ज्यादा होने की वजह से males की requirements जो है वो ज्यादा है, और फिर इसी तरह physical activity का आंसर भी उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है. प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसी एज ग्रुप से 3 लीटर के करीब रिक्वायरमेंट है, और इसी ग्रुप से वो तकरीबन 3.8 लीटर रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ लैक्टेशन, ताकि बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, माँ को भी डिहाइड्रेशन ना हो और बच्चे को भी डिहाइड्रेशन ना हो. फाइबर की रिकमेंडेशन देखें तो 1 साल की एज तक हमें बिल्कुल नहीं मिलती, और उसके बाद ये फिर 25 से 30 के दरमियान जो है वो रेंज करते हैं फाइबर की रिकमेंडेशन. WHO की जो रिकमेंडेशन है वो 25 ग्राम्स पर डे के हिसाब से हैं. FNB की जो रिकमेंडेशन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफर कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट जेंडर्स. तो आप सेफ साइड पे 25 से 30 ग्राम डाइटी फाइबर ले सकते हैं. लिनोलिनिक एसिड और लिनोलिक एसिड भाई ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड जो इनकी भी सेपरेट जो है ना वो रिकमेंडेशंस अब हमें अवेलेबल है ग्राम पर डे के हिसाब से जाना, तो तकरीबन 10 से 15 ग्राम जाना 17 ग्राम ये लिनोलिक एसिड जो है वो लिनोलिक एसिड, और लिनोलिनिक एसिड की बात करेंगे तो ये 1.2 1.6 मैक्सिमम 2 ग्राम तक जाना इसकी रिकमेंडेशंस है. अब हम जो ऑयल्स खाते हैं उनको भी हमें देखना चाहिए कि क्या वो हमारी इन फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो स्पेशली फ्लैक्सीड ऑयल मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको डाइट के अंदर लाना चाहिए या फ्लैक्सीड को यूटिलाइज करना चाहिए. प्रोटीन्स भाई इनकी रिक्वायरमेंट्स नो डाउट हम फैक्टर भी रखते हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से. यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपको नजर आ रही हैं, तकरीबन 10 का डिफरेंस है मेल और फीमेल के दरमियान, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर एडिशनल जो है ना वो तकरीबन 15 to 16 ग्राम जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है. अच्छा जी, नेक्स्ट वैल्यूज यहाँ पे जो दी गई हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हैं, और इसमें जिनके साथ ये स्टेरिक नजर आ रहा है ना भाई ये एडिक्वेट इनटेक है, ठीक है, और जिनके साथ स्टेरिक नहीं ये RDAs हैं. तो विटामिन ए सी डी ई के थायामीन राइबोफ्लेवन नायासिन B6 फोलेट B12 पेंटोथिनिक एसिड बायोटिन एंड कोलिन, ठीक है, ये विटामिन्स की भाई रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे दी गई है. ये मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है. तो अब आप देखें कि जो कभी 8 न्यूट्रिएंट्स की RDA अवेलेबल थी अब ये रेंज जो है वो बढ़ चुकी है. इस पे हम डिबेट कर लेते हैं आयरन के ऊपर. आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 से 12 माह का बच्चा जो है उसकी 11 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट है पर डे के हिसाब से, और इसी तरह मेल की जो है वो तकरीबन 8 से 11 एडोलिसेंट फेज में भी ज्यादा है, फीमेल की भी कंपैरेटिवली उससे भी ज्यादा है 15 से 18 मिलीग्राम के हिसाब से रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फिर जो इंडस्ट्री में फोर्टिफिकेशन जब हम करते हैं फूड प्रोडक्ट्स की तो फिर हम कौन सी डोजेज यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोजेज जो है ना वो डिफर कर रही है बच्चों के लिए मेल के लिए फीमेल के लिए. तो वहां पे फिर एक और वैल्यू यूज होती है जिसको हम पर्सन डेली वैल्यू कहते हैं, ठीक है, ये लास्ट में मैं इसका जिक्र करूंगा. डाइटी रेफरेंस इनटेक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन फ्रॉम बर्थ टू 18 इयर्स ऑफ एज पर डे, इसमें भाई एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो कैलकुलेट करने का यहाँ पे फार्मूला दिया गया है 89 मल्टीप्लाई बाई वेट इन केजी -100 + 175 kcal. इसके हिसाब से 0 से 3 माह का बच्चा जो है उसको तकरीबन 9 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए. यही बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 13 ग्राम तक चली जाएगी, और फिर बॉयज के लिए 3 to 8 ऑनवर्ड अगर हम देखें
ये 19 ग्राम है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है इनकी तकरीबन 34 to 55 के दरमियान जो है वो रेंज है। गर्ल्स के लिए कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्कूल गोइंग बच्चे जो है ना उनके लिए तकरीबन 34 to 46, 40, 52 के हिसाब से एनर्जी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अब बाकी हम जब न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, एक्सेप्टेबल मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज AMDR, उसमें आप देखें फैट्स के लिए भी 30 to 40 ग्राम, बच्चों में ज्यादा भी, ठीक है, क्योंकि उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। अडल्ट्स के लिए कंपैरेटिवली कम है। अब फैट में आगे फिर Omega-3 और Omega-6 की डिफरेंसेस आ जाते हैं भाई, उनकी भी रेंज की बात की गई है। कार्बोहाइड्रेट्स 45 to 65, तो हमारी डाइट में इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं इनकी होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की। प्रोटीन जो है वो 5 to 20% ऑफ दी डेली डाइट। तो सबसे पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे नंबर पे फैट और तीसरे नंबर पे प्रोटीन, इसकी रिक्वायरमेंट्स है। हाँ जी, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल एज मिनिमम एज पॉसिबल, ट्रांस फैट एज मिनिमम एज पॉसिबल, सैचुरेटेड फैट एज मिनिमम एज पॉसिबल, एंड एडेड शुगर लिमिट टू नो मोर देन 25% ऑफ दी टोटल एनर्जी। बेसिकली तो हम कह रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स 45 to 65% ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो एडल्ट्स हैं। लेकिन इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर का शेयर जो है ना वो 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी सूरत में। अब यहाँ पे जो है ना वो टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल्स की बात की गई है, ठीक है। तो रेकमेंडेशन जो थी वो 400 थी विटामिन ए के लिए, और टॉलरेबल में 600 चली जाती है, इससे ज्यादा इसको यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। सो दीज आर वैल्यूज ऑफ विटामिन्स, स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन्स भाई, इनकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। और मिनरल्स की बात आप करें, इसमें स्पेशली वो मिनरल्स जो डेंजरस हैं जैसे आर्सेनिक है, लेड है, इस तरह इनकी वैल्यूज हैं, उनको केयरफुली देखना चाहिए। आयरन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 40 मिलीग्राम जो है ना वो डेंजरस डिक्लेयर की गई है, ऑलमोस्ट 40-45 मिलीग्राम से ज्यादा डोजेज जो है ना वो नहीं होनी चाहिए इन एक्सट्रीम केसेस। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था जो पाकिस्तान की डाइटरी गाइडलाइंस अवेलेबल हुई हैं, तो उनके अंदर भी हमारी अपनी पॉपुलेशन के लिए RDAs की बात की गई है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की। तो ये मैंने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर दी है, आपको ऑलमोस्ट जो है ना ये कंपेरेबल नजर आएंगी थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जैसे हमारी लोकल स्टडीज स्ट्रांग होती जाएंगी, ये वैल्यूज जो है ना हमें ज्यादा बेहतर फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप इन वैल्यूज को यूज करें जहां पे भी आपको जरूरत पड़ती है। तो ये बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम है अप टू 10 इयर्स, 10 इयर्स से लेके फिर 19 इयर्स तक देखें तो ये चिल्ड्रन गर्ल्स और बॉयज के लिए फिर डिफरेंट होना शुरू हो जाती है रिक्वायरमेंट। और उसके बाद फिर 19 या 20 ईयर से ऑनवर्ड अगर बात की जाए तो फिर ये मेन और वुमेन के लिए भी आपको डिफरेंट वैल्यूज जो है वो अवेलेबल है, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर उनके अंदर एडिशनल क्वांटिटी जो है वो सजेस्ट की गई है। न्यूट्रिएंट इनटेक जो है ना भाई, इसमें हमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए, और स्पेशली इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं भाई, एक को इनएक्यूरेट पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है और एक को एक्यूरेट पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। एक्यूरेट में अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें ज्यादा टाइप्स की डेली वैल्यूज का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो इनएक्यूरेट पॉइंट ऑफ व्यू में हमें
आरडीए के बारे में हम ज्यादा एम्फिसाइज कर रहे होते हैं और उसी को हम सेफ कंसिडर कर रहे होते हैं, और उससे अपर लेवल को भी सेफ समझा जा रहा होता है, उनसे लोअर लेवल को डेंजर कहा जाता है। जबकि एक्यूरेट पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी आपको वैल्यूज जो है वो डेली यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल की बात की जाती है, इसमें आरडीए और एआई की बात की जाती है, इसमें एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट की बात की जाती है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट से नीचे अगर हम देखें तो डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा है, उसकी लोअर वैल्यूज को यूज करेंगे तो डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं, और अगर उसकी अपर वैल्यूज को, रेंज की अपर वैल्यूज को यूज करेंगे तो फिर मार्जिनल उसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं, और उनका हायर लेवल यूज करेंगे तो फिर वो आरडीए और एडिक्वेट इनटेक पे आ जाएंगी, और उनकी एक्सट्रीम फॉर्म में जाएंगे तो फिर टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल्स को देखना पड़ेगा, जहां पे फिर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। डीआरआई भाई अपनी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन रिसोर्स भी अवेलेबल है, जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करके, ठीक है, जैसे इसमें जेंडर है, एज है, फिजियोलॉजिकल नीड है, इन चीजों का पुट करके अपना हाइट वेट, ठीक है, ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी, इस तरह की इंफॉर्मेशन, तो फूड एंड न्यूट्रिशन सेंटर जो अभी उसने आपके लिए जो है ना वो डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स कैलकुलेट करने के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, आप इनको ट्राई कीजिएगा अपने लेवल से चेक करने की। तो इसमें हाइट वेट एज एंड एक्टिविटी लेवल दीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है, ताकि आपका बीएमआई जो है उसको कैलकुलेट किया जा सके, डेली आपकी एनर्जी नीड्स को देखा जा सके, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की वैल्यूज जो है वो अवेलेबल होंगी। पर्सन डेली वैल्यू इज बेसिकली डेवलप्ड बाय द एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। द कंसेप्ट इज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल, ठीक है। किसी भी चीज को जब हम खरीदते हैं प्रोसेस्ड फूड को, तो उसका एक न्यूट्रिशनल फैक्ट लेबल हमें मिलता है भाई इस फॉर्म में। इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पर्सन डेली वैल्यूज को डिजाइन किया। आप यहाँ पे देखें आपको पर्सन डेली वैल्यूज मिलेंगी कि सेचुरेटेड फैट का 5 ग्राम अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपकी 25% रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, क्योंकि नीचे आप बॉटम में देखें तो सेचुरेटेड फैट के बारे में इंस्ट्रक्शन क्या है कि लेस देन 220 ग्राम यानी इनका इनटेक होना चाहिए, सोडियम का 2300 टू 2400 मिलीग्राम इनटेक होना चाहिए, तो इससे ज्यादा हो जाएंगी तो फिर उस चीज को खाने से, उसकी एक सर्विंग खाने से या उसकी ज्यादा सर्विंग लेने से नुकसान होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। परसेंट डेली वैल्यू वाज मॉडल्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द यूएस रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस एन अप्रोप्रिएट अप्रोच यूज्ड इन 1973 वर्जन ऑफ द न्यूट्रिशन लेबलिंग टू हेल्प कंज्यूमर अंडरस्टैंड एंड कंपेयर द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन अ पर्टिकुलर फूड। द कमेटी रिकमेंड्स दैट द न्यूट्रिएंट कंटेंट पर सर्विंग ऑफ अ फूड बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंट डेली वैल्यू वेन एवर इट इज पॉसिबल टू एस्टेब्लिश दिस वैल्यू फॉर अ न्यूट्रिएंट। तो फूड सर्विंग्स जब हम कमर्शियल लेवल पे बात करते हैं किसी भी चीज की, तो वहां पे जो कमेटी है उसकी सजेशन जो है कि इनको यूटिलाइज करना चाहिए, ये न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल है अभी। इसी तरह सप्लीमेंट का फैक्ट लेबल देखें तो वहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, विटामिन्स 100% यानी अगर 5000 इंटरनेशनल यूनिट आप लेते हैं तो 100% आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है भाई, इसको आप देख लीजिएगा न्यूट्रिशनल लेबलिंग में माइलस्टोन्स क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, और ये परसेंट डेली वैल्यूज कुछ न्यूट्रिएंट्स की दी गई हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे आयरन जो है वो 18 मिलीग्राम है, जिंक जो है वो 15 मिलीग्राम है। तो जब आप फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स तैयार करना चाहें तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द सजेस्टेड रीडिंग, मजीद आप